हेलो एवरीवन, टुडे इज डे 5 ऑफ वोकैब लर्निंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है डे 5 और डे 5 का हमारा पहला वर्ड है डिच। DITCH डिच। डिच मीन्स किसी से छुटकारा पाना या फिर किसी को छोड़ देना। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू गेट रिड ऑफ और लीव समबडी और समथिंग। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सी और ही डिच्ड हर और हिज ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन सी और ही बिकेम फेमस। सेकेंड वर्ड इज हियर इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मीन्स अप्रवासी, मतलब दूसरे देश में आकर वहीं स्थायी रूप से बसने वाला व्यक्ति, इसे हम अप्रवासी कहते हैं। अ पर्सन हु हैज कम इन टू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट प्लान्स टू टाइटन controls to prevent illegal immigrants. The government plans to tighten controls to prevent illegal immigrants. Third word is here vulnerable, means दुर्बल या फिर नाजुक, जिसे आसानी से शारीरिक या मानसिक आघात पहुँचाया जा सके। Weak and easy to hurt physically or emotionally। यहाँ मैंने गलती से एंड को एनी लिख दिया है। एग्जाम्पल, द ट्रूप्स वर इन अ वल्नरेबल पोजिशन। द ट्रूप्स वर इन अ वल्नरेबल पोजिशन। नंबर फोर इज हियर ससेप्टेबल। किसी व्यक्ति से सरलता से प्रभावित हो जाना या फिर रोग आदि से। इंग्लिश मीनिंग इज हियर ईजली इन्फ्लुएंस्ड। एग्जाम्पल, सी इज नॉट वेरी ससेप्टेबल टू फ्लैटरी। She is not very susceptible to flattery. Fifth word, flattery means चापलूसी या फिर चाटुकारिता करना। Let's see English example. Imitation is probably the sincerest form of flattery. आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।